हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस निर्मला ब्लॉग में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज के ब्लॉग में क्या है तो देखिए प्लीज जरूर। तो यहाँ कर रही हूँ मैं शाम के बर्तन साफ। तो मैं सोकर उठी थी तो मैं लग गई हूँ अपने बर्तनों पे। तो यहाँ मैं कैंडी खेल रही है। तो मैं बर्तन धुलने के बाद मैं घड़े में पानी भर लेती हूँ। तो घड़े का पानी पीने के काम में भी आ जाता है और खाना बनाने के काम में भी आ जाता है, तो दोनों काम हो जाते हैं। तो इस कैंडी को मैं बांध देती हूँ बाहर। कैंडी को हम बाहर की कहें कि बाहर चलें तो बहुत ज़्यादा कूदती है बाहर के नाम पर। उसको तो बस बाहर ही घुमाते रहो तो खुश रहती है। और ये पड़ रही है बारिश हमारे यहाँ, तो एकदम बहुत तेज़ बारिश पड़ी थी शाम के टाइम में। देखो हमारे यहाँ का कितना अच्छा व्यू आता है, पेड़ पौधे एकदम ग्रीन हो रहे हैं। चारों तरफ से खुला हुआ है। और इधर बना रही हूँ मैं अब तो ये मैंने बना रही हूँ आज हरे वाले बैंगन। ये वाले बैंगन, इन बैंगनों का स्वाद और अच्छा होता है, तो इन बैंगनों को बनाते हैं आज। तो मैं किस तरीके से बनाती हूँ तो आप भी देखिए, बहुत अच्छे लगते हैं ये बैंगन। तो ये मैं बैंगन काटूंगी पानी में, जिससे कि ये काले ना पड़े। देखो कितने अच्छे बैंगन हैं, तो ज़्यादा पतले ना करें इनको, इतने बड़े बड़े साइज का था, इतना बड़ा बड़ा। तो ये हमारे पानी में है तो भी काले नहीं होंगे, ऐसे के ऐसे रहेंगे। तो इसको हम इधर रख देते हैं। जो चीज़ हमें पीसनी है उनको हम काट लेते हैं। तो ये प्याज है, इनको ग्राइंडर कर लेंगे, पीस लेंगे। ये अदरक का टुकड़ा है, तो इसको भी काट लेते हैं थोड़ा थोड़ा, पीसने में आसानी रहेगी। और ये हैं लहसुन की कलियाँ, 10 कलियाँ हैं। और इसी में डाल देंगे मिर्च हरी वाली, ये भी पिस जाएंगे। और इसमें ही डाल देंगे हम टमाटर काट कर, ये भी इसी में पिस जाएगा। तो ये पिसने वाला मटेरियल हो गया। अब इसमें हम इन आलूओं को काट लेते हैं। तो ये हम बड़ा बड़ा पीस काटेंगे इस तरीके से। ये पीस हमारे कट चुके हैं, तो इनको भी हम इसी पानी में डाल देंगे। सब धुले हुए हैं तो इनको हम पीस लेते हैं। हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ये थे रखे थे केले, तो ये देख लेती हूँ ख़राब तो नहीं हो गए, ख़राब नहीं है, तो इनको मैं खा लेती हूँ। तो ये डाल देती हूँ मैं थोड़ा सा तेल इसमें, और थोड़ा सा इसको डालने के बाद ये जो मैंने बैंगन और आलू इसमें पानी में डले हुए थे इनको मैं निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। ये रहे वो बैंगन और आलू, ग्रीन वाले बैंगन और आलू। अब ये मैंने प्लेट में निकाल लिए हैं, तो मैंने तेल डाल दिया है ऑलरेडी, तो
तो मैं अब इनको इसमें डाल दूँ। पहले इनको भूनना है। इनको फ्राई करना है पहले। फ्राई हो रहा है, तो ये फ्राई हो चुके हैं तो इनको हम निकाल लेते हैं। तेल गरम हो चुका है, अब इसमें डालेंगे हम जीरा। जीरा डालने के बाद डालेंगे हम ये मसाला जो हमने पीसा था। मैंने आपको बता दिया इसमें प्याज है, लहसुन है, अदरक है, हरी मिर्च है, टमाटर है, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। तो इनको हम अब इसमें डाल देंगे। और इस मसाले को भूनेंगे। मसाले भूनने का सबसे जल्दी तरीका है कि इसमें आधा चम्मच नमक डाल दें। इसमें थोड़ा सा मसाला चिपका हुआ है तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। ये मेरा मसाला अच्छी तरीके से भून रहा है, तो अब डाल देते, बारी आती है मसाले डालने की, तो इसमें हम मसाला डाल देते हैं। तो ये मैंने एक चम्मच डाला है धनिया पाउडर। धनिया पाउडर के बाद डालेंगे हम हल्दी पाउडर। ये मैंने आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है। इसके बाद नमक हमने डाल दिया है, तो थोड़ी सी आधे चम्मच से भी कम हम डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर। हल्का सा नमक और डाल दें, कम रहे। डाल दिया है, उसको कर देंगे हम बंद। ये हमने रख दी, अब उसको हम चलाएंगे। बहुत ही अच्छा कलर आया है, अब मैं दिखा देती हूँ। देखिए तो इसमें अब डाल देते हैं थोड़ा सा पानी। थोड़ी सी मैंने हींग डाल दी है, हींग से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इसको हम डाल देंगे। मसाला हमारा पक चुका है बहुत अच्छी तरीके, अब इसको हम डाल दें। हमें ऐसे चला दें। वाओ, कितना अच्छा कलर आया है। फिर इसका फ्लेम कर लेंगे लो मीडियम। तो अब इसको मैं ढक देती हूँ। गैस का फ्लेम लो कर दिया है, इसको मैं ऑफ कर देती हूँ। मैं आपको दिखा देती हूँ सब्जी, देखिए बस चेक कर लेते हैं बनी है या नहीं। हाँ, गर्म हो गई है बहुत। देखिए इधर बहुत ही, आलू चेक कर लेते हैं पहले। आलू बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत ही अच्छी बनी है एकदम। देखिए एकदम खिली 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 सब्जी। किसको अच्छी लगती है कमेंट करके बताना, और मैं इसको आपको फाइनल लुक करके दिखाती हूँ। तो फाइनली मेरी सब्जी बनकर तैयार है, देखिए आप कैसी आलू एकदम खिली खिली और बहुत ही अलग तरीके से बनाई है। आप भी इस तरीके से ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छी लगती है। तो खाइए,
और ये इसको चाहे पराठे के साथ खाइए, पूरी के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, और सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है गेहूँ चने की रोटी हो और देसी घी से चिपड़ी हुई और तब ये सब्जी हो और इसमें भी थोड़ा सा देसी घी हो तो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप भी खाइए। तो यहाँ लगी हुई है सब्जी मंडी, तो यहाँ सब्जी मंडी से ले लेते हैं सब्जी। तो हमारे यहाँ की इस तरीके से मंडी लगती है, एक ही मंडी में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, सब्जी, फल भी और किराने का सामान भी, दाल चावल गेहूं सब्जी जो भी है, घर के जो सामान है वो सभी हम इसी मार्केट में मिल जाता है। तो देख लीजिए हमारे यहाँ की मंडी। तो यहाँ पे बहुत ही एकदम ताज़ी ताज़ी सब्जी आती है और ताज़ी सब्जी होती है तो खाने में भी अच्छी लगती है और मन भी रहता है बनाने का। तो देखो कितनी अच्छी फली, करेले, गोभी, सारी सब्जियां। तो फ्रेंड्स मेरे ब्लॉग थोड़े से भी अच्छे लगते हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू। बाय बाय।